में 116 अफराद हलाक। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मजहबी तकरीब में भगदड़ मचने से 116 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। हिंदू मजहबी तकरीब सत्संग पूजा जिला हाथरस के देही इलाके में एक मैदान में मुनक्किद की गई थी। भारतीय हुक्काम का कहना है कि तकरीब के इख्तिताम पर एक साथ बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मची। वाकई की मजीद तहकीकात जारी है। ज़राए के मुताबिक एक ऐनी शाहिद ने बताया कि तकरीब में कमोबेश 50,000 लोग मौजूद होंगे। हाईवे पर मौजूद दरवाजे पर कुछ लोग दाएं जानिब जा रहे थे तो कुछ बाएं जानिब, इसी वजह से भगदड़ मची। तकरीब में शामिल सीमा नामी खातून ने बताया कि जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त वो तकरीब से वापस जा रही थी। वो तकरीब में अपने दो रिश्तेदारों के हमरा शरीक हुई थी, जिनमें से दो हलाक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।